हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल सीरीज के ट्यूटोरियल में एचटीएमएल फॉर्म के बारे में। ये हमारे फॉर्म का सेकंड वीडियो है। अब देखते हैं एचटीएमएल फील्ड सेट एलिमेंट्स ये क्या होते हैं। और फील्ड सेट टैग का जब हम यूज़ करते हैं तो एक बॉक्स वो क्रिएट करता है। एग्जाम्पल पे हम इसे देखते हैं। मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ। कोड में हम आते हैं तो यहाँ पर मैं फॉर्म के बाद फील्ड सेट लिख देता हूँ, FIELD फील्ड सेट। और फिर इसे कट करके ये फील्ड सेट यहाँ पर फॉर्म के पहले क्लोज कर देता हूँ। और फील्ड सेट के नीचे मैं इसे कॉपी करता हूँ डिजाइंड एलिमेंट्स को, और कोड में आता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। जब हम इसे ब्राउज़र पे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लीजेंड के बीच में जो हमने लिखा यूज़र इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रहा है, और रिलेटेड फॉर्म में वो ये बॉक्स बना दे रहा है, देखिए राउंडेड बॉक्स। तो ये होता है फील्ड सेट और लीजेंड का यूज़। अब टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। टारगेट एट्रीब्यूट जैसे कि हमने एंकर टैग में भी पढ़ा है, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप। अगर आपने एंकर वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, आपको ये टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक जब हम लिखते हैं तो वो दूसरे टैब में हमारे फाइल को खोलता है, एक ही पेज। और सेल्फ, पेरेंट और टॉप जो होते हैं वो एक ही पेज में हमारे फाइल को खोलता है। और ये टारगेट एट्रीब्यूट फॉर्म एलिमेंट के अंदर आता है। अब देखिए मेथड एट्रीब्यूट, ये मेथड एट्रीब्यूट भी फॉर्म एलिमेंट के अंदर आते हैं। और जब हम हमारा डेटा सबमिट करते हैं तो मेथड एट्रीब्यूट का ही वहाँ पर यूज़ होता है, जिसमें हम दो टाइप के मेथड यूज़ करते हैं, एक गेट मेथड और एक पोस्ट मेथड। जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है फॉर्म सबमिट करने का वो होता है गेट। और अभी हम इसे एग्जांपल पे देखेंगे। तो अब देखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। अगर आपको टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा एंकर टैग वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में बताया है कि ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट ये क्या होते हैं। और इसे हम अभी एग्जांपल पे देखेंगे। अब देखते हैं एक्शन एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या होते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड। फॉर्म को जब हम सबमिट करते हैं तो एक्शन एट्रीब्यूट ये डिसाइड करता है कि किस पीएचपी या बैकएंड पेज में उसे भेजना है। इसी के थ्रू आपका डेटा सर्वर पे जाता है। तो एग्जाम्पल पे हम आते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू सबमिट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस सबमिट बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पर हम एक्शन देते हैं, एक्शन इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक और फाइल बना देता हूँ, सबमिट डॉट html। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म सबमिटेड, लिख देता हूँ, सेव किया। फाइल का नाम देखिए सबमिट डॉट एच टी एम एल। मैं यहाँ पर फॉर्म्स डॉट एच टी एम एल में वापस आता हूँ और एक्शन में मैं लिख देता हूँ सबमिट डॉट एच टी एम एल। ब्राउजर पे हम आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर मैंने वैल्यू इक्वल टू सी वी टैग पहले ही लिख चुका है तो ब्राउज़र में वो ऑलरेडी शो हो रहा है। यहाँ पे पासवर्ड मैं दे देता हूँ, एड्रेस भी आप कुछ भी लिख दीजिए। और ईमेल मैं यहाँ पर जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ, मैं आपको ईमेल का बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है। मेल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ,
क्रिकेट हॉकी ये सब करता हूँ और इसे सबमिट करता हूँ। अब आप देखें मेल वाले सेक्शन पे आपको इधर आ रहा है कि आपको एट द रेट और डॉट ये जो है यूज़ करना पड़ेगा, ये आपके ईमेल वाले फील्ड में मिसिंग है। तो यहाँ पर मैं अपना मेल लिखता हूँ ऐसे चाहिए आई एट द रेट मैंने लगा दिया, जीमेल डॉट भी यहाँ पर लग गया और कॉम, इसे सबमिट करता हूँ। देखिए ये सबमिट हो गया। तो आपने देखा सबमिट बटन दबाते ही हमने एक्शन में जो पेज दिया था सबमिट डॉट एच टी एम एल वहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर गया, और सबमिट डॉट एच टी एम एल में हमने लिखा था फॉर्म सबमिटेड यहाँ पे, और ये जो एक्शन है इस एक्शन का इक्वल टू देखिए सबमिट डॉट एच टी एम एल मैंने लिखा। जैसे ही मैंने सबमिट किया टाइप इक्वल टू सबमिट और मैं सबमिट यहाँ पर किया तो इस वाले पेज में वो डेटा को भेज देता है। वैसे तो यहाँ पर PHP फाइल यूज़ किया जाता है लेकिन अभी हम एग्जांपल के लिए HTML देख रहे हैं, आने वाले वीडियो में हम PHP भी देखेंगे। अभी सबमिट करने के बाद ये सेम पेज में खुल रहा है। बैक जाता हूँ मैं वापस, अगर इसे दूसरे विंडोज़ में अगर हमें खोलना है, यहाँ पर हमने टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में देखा था तो टारगेट एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं। सो सिंपली लिखिए टारगेट इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो सेल्फ पेरेंट और टॉप है वो सेम काम करते हैं, एक ही पेज में आपके फाइल को खोलते हैं, लेकिन जो ब्लैंक होता है वो आपका जो फाइल है वो दूसरे विंडोज़ में खोलते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लैंक वाला यूज़ करते हैं क्योंकि बाकी तीनों तो सेम काम करते हैं, सेम पेज में ही उसे खोल देते हैं। तो यहाँ पर टारगेट इक्वल टू ब्लैंक हम लिखते हैं, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फिर से मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया, कोई एड्रेस लिख दिया और यहाँ पर कोई मेल लिख दिया @.com, मेल चॉइस करता हूँ और यहाँ पर फुटबॉल मैंने चॉइस कर लिया, सबमिट किया तो देखिए वो दूसरे विंडो में खुल गया। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फॉर्म के थर्ड वीडियो में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मेल है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।